हाँ, मुझे मालूम है कि आप लोग अभी क्या सोच रहे हैं। यही ना कि मैं स्पॉटलाइट के नीचे आप सभी के सामने बुत बना क्यों खड़ा हूं, कुछ करता क्यों नहीं। दरअसल मैं कुछ सोच रहा हूं। हकीकत तो यह है कि सोचना भी एक नौकरी है जो बगैर किसी सिफारिश के हाथ लग जाती है, और हम में से कई तो जिंदगी भर सिर्फ यही नौकरी करते रहते हैं, उस वक्त तक जब तक कि सांस ना उखड़ जाए। ऐसे लोगों का डेथ सर्टिफिकेट तैयार करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती, ना डॉक्टर को, ना पुलिस को, और ना रिश्तेदारों को, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ वाले कॉलम में एक पूरा जुमला लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कॉज ऑफ डेथ सिर्फ सोचना। एक मिनट, मैं शायद बहक गया। मैं तो ये बताने जा रहा था कि इस वक्त मेरे दिमाग में कौन सी खलबली मची है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि कलम और जिंदगी की आपस में बन क्यों नहीं पाती, दोनों हमेशा एक दूसरे से उलझे क्यों रहते हैं, और इस कश्मकश में दोनों में से किसी एक की कुर्बानी जरूरी क्यों हो जाए करती है। एक मिनट, मैं शायद फिर बहक गया। आप मंटो को तो जानते हैं ना? हाँ हाँ, वही सादत हसन मंटो, दुनिया का इकलौता कहानीकार जिसने दम तोड़ा तो विस्की के कतरों के साथ, और शायद वो दुनिया का इकलौता कहानीकार होगा जो कयामत के रोज भी खुदा के सामने झूमता झामता पहुंचेगा। उसी मंटो के बारे में लोग कहते हैं कि वो मर गया तो ये उसका अपना कसूर थे, बहुत पीता था सो मर गया। लेकिन जानते समझते हुए भी लोग ये नहीं कहते कि जब भी कलम और जिंदगी की आपस में गुत्थम गुत्था होती है तो कुर्बानी के लिए किसी एक को चुनना ही पड़ता है। सादत हसन मंटो ने 42 साल 8 महीने और 6 दिन तक मुसलसल दुनिया और दुनिया वालों को आजमाने के बाद कुर्बानी के लिए चुना तो अपनी जिंदगी को। मैं हामिद जलाल, उसी मंटो का अदबी, हां अदबी वारिस हूं। अदबी वारिस इसलिए क्योंकि विरासत में देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं सिवाय कल्लासी और पागलपन के। मेरा बचपन उनकी गोद में गुजरा। वो अक्सर मुझे एक कहानी सुनाया करते थे। कहानी यूं थी, किसी शहर या फिर किसी गांव में एक आदमी ने सांप पाल लिया, बहुत जहरीला सांप। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके जानने वाले एक एक शख्स ने उसे मना किया कि वो अपनी इस हरकत से बाज आए, भला सांप भी कभी किसी का पालतू हुआ है। लेकिन उस शख्स ने किसी की न सुनी और वो सांप पलता रहा। उस सांप की वजह से दुनिया पहले उस आदमी से अजनबी हुई और फिर उसकी दुश्मन बन गई, और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। सांप ने उस आदमी को डस लिया और अपना सारा जहर उसकी रगों में उतार डाला, कतरा कतरा। उस आदमी को मरना था सो वो मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने सांप को पकड़ा और उसका फन दांतों तले चबा डाला, कच कच। मगर वो सांप आज भी डसता है, आज भी जब कोई कलम उठाने लगता है तो वही जहर फिर से जिंदा होने लगता है। आप जानते हैं, हमारा लिखा हुआ एक एक हर्फ कागज पर इस तरह साकित पड़ा रहता है जैसे माँ के पेट से निकला कोई मुर्दा बच्चा, और ये हर्फ उस वक्त तक बेजान पड़े रहेंगे जब तक कि मोजा टोबा टेक सिंह, जिला होशियारपुर, सूबा पंजाब, मुल्क नामालूम के बिशन सिंह को अपना घर नहीं मिल जाता। कहाँ होगा बिशन सिंह का गाँव, सरहद के इस तरफ या फिर सरहद के उस तरफ, या फिर किसी मुल्क की गोद में रखेल की तरह पड़ा होगा उसका गांव, और कहां होगा खुद बिशन सिंह, शायद वहीं जहां आखिरी बार चीख मारने के बाद वो औंधे मुंह गिर पड़ा था।